Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum dear students, I am your class. I hope you all will be fine. Today we start 9th class math, unit 1, exercise 1.6 and problem start UEM, जिसमें हम problems को solve कर रहे थे by grammar rules and UEM method. इसमें आपके पास statements हैं जिनको आप सबसे पहले equation से change कर रहे हैं और उसके बाद उनको matrix form में ला के UEM और grammar से solve कर रहे थे. तो आज के question number 5 की तरफ चलते हैं. question number 5 जो अगेन मैं ये बात होगा कि question number 3 से लेके question number 6 तक एक ही बात आप लोगों ने इस तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि पीछे इतने क्वेश्चन करके हैं ग्रामर इन्वर्टिंग का, वो कोई मुश्किल काम नहीं है. इन क्वेश्चन को देने का मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट से किस तरह इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो मीन्स कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ आ जाए तो आप इक्वेशन अच्छी तरीके से कर लेंगे. अब इसमें वो कह रहा है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि राइट ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल जो है वो 12 मोर देन है उसकी ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल. यानी दो एक्यूट एंगल है, दूसरी एक्यूट एंगल के डबल से वो 12 गुना ज्यादा है जो दूसरा इसका एक्यूट एंगल. अगर इसकी इक्वेशन देने का जो इक्वेशन बनती है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास, तो सबसे पहले इक्वेशन बनती है. तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी. पहले तो बात ये है कि लेट्स सपोज करते हैं, सपोज वन एक्यूट एंगल इक्वल टू एक्स एंड अदर एक्यूट या सेकंड एक्यूट एंगल भी आप देख सकते हैं इज इक्वल टू y, कि एक एक्यूट एंगल हमारे पास x है, दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास y है. अब गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो वही कि हमारे पास सम ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल होगा x plus y इज इक्वल इसके होगा 90 डिग्री है. और अब उसने कहा था कि थर्ड ये एक एक्यूट एंगल जो है वो 12 मोर देन द टू टाइम होता है एक्यूट एंगल. अगर इसकी इक्वेशन आप बनाओ, अगर हम देखते हैं ये देखें 2x plus 12 is equal to y, असल चीज उसने ये बोली थी कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट के डबल से 12 गुना ज्यादा है. तो इससे इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो क्या बनेगी, 2x minus y is equal to minus 12, 2x minus y is equal to minus 12. ये चीज थी जो आपसे उसने पूछी थी. आगे का काम आप लोगों को बहुत आसान हो चुका है. तो लेट्स स्टार्ट, कि आगे हमारे पास अब इसकी हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे. वो बनेगा 2 1 -1 and 1 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा -12 and 90 डिग्री. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इक्वेशन हमारे पास और सेंटर में आपको पता है हमारे पास क्या आएगा, x एंड y, वो तो आपको पता ही है, शुरू से लगाते आ रहे हैं x एंड y is equal to -12 and 90. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें इक्वेशन, कोई पुरानी हुई चीज है सारी, a हमारे पास क्या आएगा इसमें, a x is equal to b and इक्वेशन में हमारे पास होगी. अब इसको सबसे पहले तो हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, इन्वर्जन मेथड से. तो इन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है सबसे पहले आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स इक्वल टू बी, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स इसके इक्वल आएगा ए इनवर्स बी. ये सारा पुराना मेथड है. तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमारे पास है 2 1 -1 and 1. तो ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट होगा, 2 into 1 -1 into -1, तो 2 + 1 = 3. तो डिटरमिनेंट का फाइंड आउट हो गया हमारे पास ए का 3. अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 2 साइड चेंज करनी और इस यहां पे मेरे मैट्रिक्स के साइड चेंज. तो अगेन ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई 1 -1 1 and 2 डिवाइड करेंगे 3 से, लेकिन अभी आपको पता डिवाइड नहीं करना हम लोगों ने. तो हम पहले शुरू करेंगे यहां पे इक्वेशन के अंदर, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 -1 1 and 2 मल्टीप्लाई करेंगे -12 and 90 से और डिवाइड टू और को कर देंगे 3 से. तो अब सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने लगो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता देखें क्या आएगा आपका मैट्रिक्स -12 + 90 और देन हमारे पास क्या आएगा 12 + 180 12 + 180 / 3. तो x इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा
तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं ग्रामर रूल से। तो ग्रामर रूल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स वही ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 माइनस 1 एंड 1, अगेन इसका डिटरमिनेंट हमारे पास ए का डिटरमिनेंट वही आएगा 3, लेकिन कर देते हैं इसको 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसके साथ अगर आप देखें हमारे पास इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स की जगह प्लेस कर देंगे माइनस 12 एंड 90 को माइनस 1 एंड 1। तो अगर आप देखें ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा आंसर में, वो आएगा हमारे पास माइनस 12 एंड माइनस माइनस प्लस 90। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ए एक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास आ रहा है 78, पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो इसके बाद लास्ट हमारे पास है ए वाई का मैट्रिक्स, ए वाई का मैट्रिक्स में हम 2 बार एस एस और माइनस 12 और 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास इसके इक्वल आएगा 180 माइनस 12। तो ए वाई का डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास जो है वो हमारे पास आया 180 माइनस 12 किसके इक्वल होगा 180 प्लस 12 हमारे पास इसके इक्वल होगा 192, जैसे पहले दिया था उसी तरीके से आंसर आ रहे हैं। तो अब अगर आप देखें हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वो देखते हैं, एक्स का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो एक्स इसके इक्वल आ जाएगा ए एक्स, हमारे पास आंसर आया उसका 78 / 3, एक्स इज इक्वल टू 26। और y का डिटरमिनेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, तो y इसके इक्वल आ जाएगा 192 / 3। तो y हमारे पास आ गया 64। यहां पे देखिए आप कि आपके पास y की वैल्यू आ गई है 64 और x की वैल्यू आपके पास आ गई है 26 64 एंड 26। तो ये भी सेम आंसर आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को दोनों इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम समझाई है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही है उसकी क्वेश्चन में आ रही है